नमस्कार, आरएस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्ची कैरी, धनिया और पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। मिक्सी जार ले लिया है हमने, आम को छीलकर इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने एक आम का आधा हिस्सा लिया है, ये देखिए ये बड़ा आम है तो इसका हमने आधा हिस्सा लिया है। तो अब हम आम के टुकड़ों को मिक्सी जार में डाल देते हैं और चार पांच हरी मिर्च डालेंगे। आपको मिर्च जितना पसंद है उसके हिसाब से आप डालें। और पांच छह कलियां लहसुन की, एक इंच अदरक, एक पिंच हींग डालेंगे, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक ध्यान से डालें क्योंकि काला नमक भी डाला है। आधा कप पुदीने की पत्तियाँ ली हैं और इसी में डाल देंगे एक कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये धनिया पत्ती थोड़ी ज़्यादा है और मिक्सी जार हमारा भर चुका है तो हम एक दो बार मिक्सी को चलाकर पीस लेंगे, उसके बाद ये कम हो जाएगा। तब हम बाद में धनिया पत्ती और डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसमें दो चम्मच पानी डाल के एक बार फिर से इसे पीस लेंगे ताकि ये और बारीक पीस जाए। तो देखिए हमने चटनी बारीक पीस लिया है। ये चटनी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बनाएं। इस समय कच्ची कैरियाँ मार्केट में बहुत मिल रही हैं, आप ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी चटनी बनके तैयार होती है। आप इसे इस तरह रोटी के साथ में खा सकते हैं, दाल चावल के साथ में भी खा सकते हैं, या फिर एक साइड डिश के तौर पे भी आप इसे अपने लंच डिनर में खा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं चटनी, बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है कच्ची कैरी, धनिया और पुदीने की चटनी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।